अपराध 2013 में हम बात करेंगे उन वारदातों की जिन्होंने दिल्ली की फिजाओं में डर का जहर घोल दिया। एक कलयुगी बेटे ने अपने बाप के कत्ल की सुपाई दे डाली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपक भारद्वाज मर्डर केस की। साल 2013 की वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी जिसने कई दिनों तक दिल्ली पुलिस को परेशान रखा। होली से महज एक दिन पहले दीपक भारद्वाज के सनसनीखेज मर्डर ने सबके होश उड़ा दिए थे। दिल्ली कुड़गांव बॉर्डर से सटे रजोकरी इलाके में 26 मार्च की सुबह करीब 9 बजे एक स्कॉडा गाड़ी में सवार होकर आए दो बदमाशों ने दीपक भारद्वाज की उनके फार्म हाउस नीतीश कुंज में गोली मारकर हत्या कर दी। दीपक भारद्वाज की हत्या के बाद हवा में पिस्टल लहराते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए थे, लिहाजा सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस कातिल सुनील मान और पुरुषोत्तम राणा तक पहुंच गई। लेकिन कत्ल की कहानी में उस वक्त ट्विस्ट आ गया जब पुलिस के सामने हत्यारों ने खुलासा किया कि उन्होंने दीपक भारद्वाज की हत्या सुपारी लेकर की थी और ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और ने नहीं बल्कि दीपक भारद्वाज के बेटे नितेश ने दिया था। नितेश ने प्रॉपर्टी विवाद और एक लड़की से संबंध के चलते अपने पिता की हत्या के लिए वकील बलजीत शेरावत को 5 करोड़ की सुपारी दी थी। बलजीत ने सुपारी का कुछ हिस्सा स्वामी प्रतिभानंद को दिया और बाद में महज 2 लाख रुपए में सुनील और पुरुषोत्तम से दीपक भारद्वाज की हत्या करवा दी। साल 2013 के इस मामले को दिल्ली पुलिस ने सुलझा तो लिया, लेकिन स्वामी प्रतिभानंद अब भी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। 13 सितंबर की रात दिल्ली के एक इलाके के लोगों की नींद पुलिस के सायरन और चीख पुकार के साथ खुली। आवाजें बंद हुई तो एक एनआरआई परिवार के लिए बुरी खबर सामने आई। दिल्ली के पौश इलाके कालकाजी में 20 साल के अनमोल की हत्या कर दी गई, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। राजधानी दिल्ली का कालकाजी इलाका, जहां थाने में मौजूद लोग अपने दोस्त और रिश्तेदार अनमोल सरना की मौत की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे। पुलिस ने जब इस मामले को सुलझाने की कोशिश की तो उसे पता चला कि साउथ पार्क अपार्टमेंट में 13 सितंबर की रात खून से लथपथ एक लड़का इधर से उधर भाग रहा है और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 गार्ड सुरेंद्र बाली और नरेश शामिल थे। इन पर पुलिस ने 302 का मुकदमा दर्ज किया और अनमोल के 4 दोस्तों पर ड्रग्स और नारकोटिक्स के तहत मामला दर्ज किया। ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार उस रात ऐसा क्या हुआ कि अनमोल चीखता और पुकारता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। अनमोल के परिवार ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आईटीएफ कहलाने वाले बेंगलुरु के एक एटीएम में एक ऐसी घटना हुई जिसने बेंगलुरु के साथ साथ देश भर में एटीएम इस्तेमाल करने वाले हर उस शख्स को हिला कर रख दिया। एटीएम के सीसीटीवी कैमरे से निकली महिला पर हमले की बर्बर तस्वीरों ने एटीएम की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए। बेंगलुरु में एटीएम में महिला से लूटपाट। साल 2013 में बेंगलुरु में हुई खौफनाक वारदात ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या एटीएम में पैसे निकालने जाना चाहिए या नहीं। दरअसल बेंगलुरु के मिशन रोड पर 44 साल की महिला ज्योति सुबह तकरीबन 7 बजे एटीएम से पैसे निकालने पहुंची। उस वक्त एटीएम में कोई गार्ड मौजूद नहीं था। जैसे ही महिला अपने पर्स से एटीएम कार्ड निकाल रही थी, तभी एक शख्स एटीएम में दाखिल हुआ। उसने पहले एटीएम का शटर बंद किया और फिर महिला से पैसे मांगने लगा। ज्योति के विरोध करने पर उस शख्स ने ज्योति की गर्दन पर बंदूक और हंसिया रख दिया। लुटेरा लगातार ज्योति से पैसे निकालने के लिए कह रहा था, लेकिन ज्योति ने मना किया। इसके बाद उस लुटेरे ने ज्योति को एटीएम के कोने में फेंक दिया। उसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लुटेरे ने ज्योति पर हंसिया से 3 वार किए। ज्योति खून से लथपथ एक कोने में पड़ी थी। हमलावर ज्योति के पर्स से पैसे निकालकर चला गया। करीब 3.5 घंटे बाद बैंक अधिकारियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। दूसरी तरफ पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। एटीएम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, इस वजह से हमलावर की करतूत कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने जांच शुरू की तो ये सामने आया कि हमलावर दूसरे एटीएम में भी दिखा था। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वारदात के बाद सामने आई सीसीटीवी फुटेज, हमलावर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके बावजूद हैरानी की बात तो ये है कि अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। इस साल के जाने का इंतजार अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को होगा तो वो बीएसपी ही होगी। जाने वाला साल बीएसपी नेताओं के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा।
बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज के मर्डर के बाद बुरी खबर थी बीएसपी विधायक की पत्नी की हत्या की, जिसमें विधायक के बेटों ने ही अपनी सौतेली मां को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के न्यू जाफराबाद में 10 अक्टूबर की सुबह लोगों को चौंकाने वाली सुबह बन गई। पुलिस को खबर मिली थी कि एक महिला की उसके घर में ही बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। घटना के वक्त अलीम चौधरी हज यात्रा पर गए हुए थे। पुलिस ने कई टीमें बनाकर इस केस की छानबीन शुरू की। परत दर परत मामला खुलता चला गया, जिसमें बाद में पुलिस ने हाजी अलीम के ही दोनों बेटों, उसके ड्राइवर और एक बिजनेस पार्टनर को आरोपी बनाया। कत्ल की इस वारदात का खुलासा हाजी अलीम के ड्राइवर ने किया, जिसने पुलिस पूछताछ के दौरान बताया कि रेहाना की हत्या में हाजी अलीम के ही दोनों बेटे शामिल थे। हालांकि इस मामले में भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। बीएसपी नेता धनंजय सिंह की पत्नी पर लगा नौकरानी की हत्या का आरोप, जिसके बाद बीएसपी नेता धनंजय सिंह को सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और बाद में धनंजय सिंह का पत्ता बीएसपी से भी कट गया। नवंबर 2013, धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह पर अपनी नौकरानी राखी के कत्ल का इल्जाम लगा। आरोप के मुताबिक जागृति ने नौकरानी राखी की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इस केस के बाद हुए खुलासों ने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। धनंजय सिंह की पत्नी का व्यवहार नौकरों के साथ कितना खराब था, इसका पता इसी बात से चलता है कि पुलिस को उनके फ्लैट नंबर 175 से खून के निशान भी मिले हैं। हर एक गुनाह का एक ना एक दिन अंत जरूर होता है और साल के खत्म होते होते धनंजय सिंह और उनकी पत्नी डॉक्टर जागृति चढ़ गए पुलिस के हत्थे और दोनों अब सलाखों के पीछे हैं। साल 2013 क्रिकेट फैंस के लिए भी बुरी खबरों से भरा रहा। एक के बाद एक खुलासों से आईपीएल टूर्नामेंट को ही शक की निगाहों से देखा जाने लगा। आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ियों को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। तारीख 16 मई 2013, स्पॉट फिक्सिंग केस में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती चली गई, वैसे वैसे बुकीज और सटोरियों के नाम का खुलासा होता गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने इन 3 खिलाड़ियों के अलावा 23 और गिरफ्तारियां की। इनमें कुछ तो वो बुकीज थे जिनके तार सीधे डी कंपनी से जुड़े हुए पाए गए। पुलिस ने गिरफ्तार सभी लोगों पर मकोका लगाने की भी पुरजोर कोशिश की। हालांकि अदालत में पुलिस की इस याचिका को खारिज कर दिया गया, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग और बेटिंग से जुड़े खुलासे यहीं खत्म नहीं हुए। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी ही नहीं बल्कि मालिक राज कुंद्रा भी इस घेरे में आए। 5 जून को पुलिस से पूछताछ में राज कुंद्रा ने यह माना कि उन्होंने आईपीएल मैचों में सट्टा लगाया था। इस खुलासे के बाद टीम मैनेजमेंट ने राज कुंद्रा की फ्रेंचाइजी को रद्द कर दिया। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी की कहानी सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रही। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रेसिडेंट गुरुनाथ मायप्पन पर भी फिक्सिंग के आरोप लगे। ये खुलासा बिंदु दारा सिंह की गिरफ्तारी के बाद हुआ। ये दोनों गिरफ्तारियां मुंबई पुलिस ने की। आपको बता दें कि गुरुनाथ मायप्पन बीसीसीआई के तत्कालीन प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन के दामाद हैं। गुरुनाथ का सच सामने आने के बाद कई और खिलाड़ियों पर भी फिक्सिंग में शामिल होने या इसकी जानकारी होने के आरोप लगे, जिन सब की जांच अब भी जारी है। स्पॉट फिक्सिंग के इस मामले की जांच अब भी जारी है, लेकिन इस पूरे मामले से किसी को फर्क पड़ा हो या नहीं, लेकिन दर्शक जरूर निराश हुए। दिल्ली पुलिस की फेहरिस्त में जाता हुआ साल 2 बड़े नाम भी जोड़ गया, जिनमें से एक था बम बनाने की फैक्ट्री अब्दुल करीम टुंडा, तो वहीं दूसरा था आतंकी यासीन भटकल, जिन्हें एनआईए और दिल्ली पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अगस्त 2013, आतंकी टुंडा और यासीन भटकल गिरफ्तार। अब्दुल करीम टुंडा मोस्ट वांटेड 20 लोगों की लिस्ट में शामिल था। 72 साल का टुंडा भारत के लिए आतंक का पर्याय बन चुका था। कई महीनों की कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे भारत नेपाल की सीमा से धर दबोचा। टुंडा जितना ही बम बनाने में तेज था, उतना ही वो आतंकियों को ट्रेंड करने में भी माहिर था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की सफलता के बाद 28 अगस्त को एनआईए को भी एक बड़ी सफलता हाथ लगी और इंडियन मुजाहिदीन के सरगना यासीन भटकल को भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया गया। भटकल पर 35 लाख का इनाम था। भटकल बेंगलुरु में हुए बम ब्लास्ट के साथ कई और धमाकों में शामिल रहा है। साल 2013 में बढ़ते क्राइम ने यूं तो दिल्ली पुलिस की नाक में दम कर दिया था, लेकिन टुंडा और यासीन भटकल की गिरफ्तारी ने पुलिस को खुद की पीठ थपथपाने का मौका दे दिया। साल 2013 जाते जाते अपने पीछे कई सवाल खड़े कर गया। साल के अंत में खुशी धनर की मौत की खबर ने जहां एक और मीडिया की भूमिका पर सवाल खड़े किए, तो वहीं दूसरी ओर महिला सुरक्षा के नाम पर चल रही बहस को एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। अठारह दिसंबर 2013 खुर्शीद अनवर ने की खुदकुशी। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में रहने वाले इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेमोक्रेसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खुर्शीद अनवर ने चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी। अनवर के खिलाफ एक एनजीओ में काम करने वाली लड़की ने रेप का आरोप लगाया था और महिला आयोग की चिट्ठी पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने 17 दिसंबर को रेप की एफआईआर दर्ज की थी। शिकायत के मुताबिक वारदात 12 सितंबर की है। पीड़िता के मुताबिक अनवर के घर पार्टी के दौरान उसे ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया था। इसके बाद उसकी हालत खराब हो गई और उसे अनवर के घर पर ही रुकना पड़ा और 55 साल के अनवर ने रात में उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने 17 सितंबर को सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर को पूरी घटना का ब्यौरा दिया था और मधु किश्वर ने उसका बयान कैमरे में कैद कर लिया था, जिसके बाद पीड़िता पारिवारिक कारणों की वजह से अपने घर लौट गई। पुलिस ने 17 दिसंबर को मामला दर्ज किया, लेकिन उससे पहले ही पीड़िता के बयान वाली एक सीडी कुछ न्यूज चैनल के हाथ लग गई, जिन्होंने खबर दिखाई। उसके बाद 18 दिसंबर को अनवर ने खुदकुशी कर ली। इस मामले में पुलिस की जांच फिलहाल जारी है, लेकिन अनवर की मौत ने मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका पर कई सवाल खड़े कर दिए। अपराध 2013 में फिलहाल इतना ही। देश की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए लाइव इंडिया।